नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। काउंटिंग के पहले कांग्रेस के मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को होनी है। मध्य प्रदेश में काउंटिंग को लेकर कांग्रेस अपने काउंटिंग एजेंट्स को बारीकियां सिखाने के लिए 27 लोकसभाओं के 100 मास्टर ट्रेनर्स को शनिवार को भोपाल में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद ये सभी मास्टर ट्रेनर अपने लोकसभा क्षेत्र के काउंटिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग देंगे। अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे भाजपा पार्षद पानी की समस्या का जताया विरोध। इंदौर में कई स्थानों पर पेयजल समस्या देखने को मिल रही है, वहीं शनिवार को इस समस्या के विरोध में भाजपा पार्षद ने धरना दिया। दरअसल पानी की समस्या को लेकर वार्ड क्रमांक 65 के पार्षद कमलेश कालरा ने नगर पानी की टंकी पहुंचे और अर्धनग्न होकर धरने पर बैठ गए। 11वीं-12वीं के लिए सीबीएसई ने जारी किया पाठ्यक्रम, छात्रों को पढ़ने होंगे इतने विषय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीनियर सेकेंडरी का पाठ्यक्रम जारी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए नया सिलेबस बोर्ड में जारी कर दिया। नए करिकुलम में छात्रों के समग्र आर्थिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करना है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं पर पानी की बौछार, परिसर को ठंडा रखने के लिए 10 कर्मचारियों की ड्यूटी, नंदी हॉल में लगे कूलर। महाकाल मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत देने के लिए परिसर में ठंडे पानी का छिड़काव किया जा रहा है। परिसर में लगे कारपेट को भी लगातार ठंडा रखा जा रहा है। नंदी हॉल में कूलर लगाए गए। आज नौतपे का पहला दिन है, इसके बाद भी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कोई कमी नहीं। गर्मी में कतार में लगे श्रद्धालुओं के पैर नहीं झुलसे, इसके लिए मंदिर समिति ने 10 कर्मचारियों की ड्यूटी पूरे परिसर को ठंडा रखने के लिए लगाई है। डीएवीवी में नॉन सीयूईटी के बाद तक कोर्सेज में एडमिशन की शुरुआत। एमपी ऑनलाइन नहीं, इस पोर्टल से होंगे आवेदन। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन शालाओं में संचालित 72 पारंपरिक व तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीयन के लिए 20 दिनों का समय दिया है। 15 जून तक पंजीयन की लिंक खुली रहेगी, उसके बाद काउंसलिंग का पहला चरण शुरू होगा। अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। उधर पहली बार विश्वविद्यालय ने रजिस्ट्रेशन के लिए एमपी ऑनलाइन की बजाय अपना पोर्टल रखा है। अवैध उत्खनन परिवहन पर अब पुलिस नहीं करेगी सीधे कार्रवाई, नई गाइडलाइन तय। मध्य प्रदेश सरकार ने रेत नियमों में संशोधन कर नई व्यवस्था लागू की। इसके तहत मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के माध्यम से रेत खदानों की वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त कर खदानों से रेत के खनन और विक्रय के लिए समूहवार माइन डेवलपर कम ऑपरेटर की नियुक्ति की गई। प्रदेश के 36 जिलों में रेत खदानों का अनुबंध कर खदानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर खनिज विभाग ने जिले के कलेक्टर को निर्देश जारी किए। नौतपा की शुरुआत, गुना अशोकनगर समेत कई जगह लू का रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं, ऐसा लग रहा है मानो सूरज आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश में आज से नौतपा का असर रहेगा, जिसके चलते तापमान में और भी बढ़ोतरी हो सकती है और भीषण गर्मी का असर रहेगा। नौतपा के पहले ही दिन प्रदेश के कई जिलों में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी। उमंग सिंघार का दावा, प्रदेश में बराबरी पर रहेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन करीब आने के साथ ही कांग्रेस के जीत के दावे भी तेज होने लगे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया कि इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की आधी से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि भाजपा के 400 पार के दावे की हवा निकल चुकी है। भाजपा नेताओं ने भी इस जुमले से कन्नी काटना शुरू कर दिया। रेलवे में ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 27 मई, तुरंत करें आवेदन। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट 27 मई है। उम्मीदवारों को अपने आवेदन फॉर्म को भरकर संबंधित डॉक्यूमेंट्स के साथ वॉक इन इंटरव्यू की तारीख को सुबह 8:30 बजे ऑडिटोरियम पहली मंजिल एकेडमिक ब्लॉक उत्तरी रेलवे सेंट्रल अस्पताल नई दिल्ली में पहुंचना हो। इंदौर वासियों को 50% ही देना होगा बकाया जलकर, आचार संहिता हटने के बाद मिल सकता है फायदा। आचार संहिता की वजह से अटकी नगर निगम की वन टाइम सेटलमेंट योजना आचार संहिता हटने के तुरंत बाद लागू हो सकती है। नगर निगम इस योजना के माध्यम से जलकर के बकायेदारों को बड़ी राहत देने जा रहा है।
बकायेदार बकाया राशि की 50% राशि जमा कर अपने जलकर खाते को नियमित करवा सकेंगे। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।